हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 8 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का बरेंट ईयर बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 का ए। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे हम, जैसे बताते हर दिन। इन ट्रायंगल ABC बना देते हैं, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, ऐसा नहीं कि ये आंसर है वो आंसर है, वैसा कुछ नहीं है। ABC ये ट्रायंगल ABC है। यहाँ बोला है AB जो है AB ये प्लस BC ये जो है ना बड़ा होगा किससे, AC से, है ना। सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, इस दोनों जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा। तो इसमें किससे बड़ा होगा, AC से, AC। तो हमारा है 3 आंसर। वैसे इसमें टिक मरा हुआ, बहुत सारा गलत भी बड़ा हुआ होगा, है ना, किसी किसी में मरा हुआ टिक। चलिए समझाते हैं हम आखिर क्यों हो रहा। नंबर बी अगला है, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड इच मीडियन इनटू द रेशियो। समझिए ध्यान से, यहाँ मिड, ये देखिए मीडियन जो होता है, जैसे कि मीडियन मतलब यहाँ एक पॉइंट है जो बराबर भागों में बांटता है, इस लाइन को कहते हैं मीडियन। वैसा ही यहाँ भी होगा, इस लाइन को कहते हैं मीडियन और इस लाइन को कहते हैं मीडियन। मीडियन से बना जो सेंटर होता है ना, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल सेंटर या सेंट्रोइड कहते हैं। एक बार बोलिएगा, ग्रेविटेशनल सेंटर या सेंट्रोइड कहते हैं। और यह जो सेंट्रोइड जो है ना, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, इधर से भी 2:1, तो 2:1 होगा, यानी नंबर 1 होगा। तो समझ अगला चलते हैं, सी नंबर इधर बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन सारा का बताएंगे। द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, समझिएगा ध्यान से दोस्तों। हाइपोटेन्यूस इसको कहते हैं 90 डिग्री का सामने वाले, कितना 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वन ऑफ द साइड 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है द अदर साइड। दोस्तों हम लोग जानते हैं, मान लेते इस साइड को x मान लेते हैं, तो इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर बराबर इस साइड का स्क्वायर, मतलब छोटा वाला दोनों का स्क्वायर का सम बराबर बड़ा वाला स्क्वायर। तो यह लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इधर 17, 16 17 2 8 9, और 8 जा 64, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 64 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर ये घटेगा तो हो जाएगा 225, तो एक्स बराबर √225 यानी 15 हो जाएगा। और कैसे होता है जानते हैं, 15 × 15 करेंगे, 15 × 15 225 होता है। लेकिन इसका अगर डीपली जानना चाहते हैं, इसका आंसर पहले मार देते हैं तो हमारा 15 हो जाएगा यानी 4। लेकिन ये कैसे हुआ 15, वो एक बार दिखा देते हैं। देखिए यहाँ 225 है, 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5×20, 5×5 25, फिर 5 से चलाएंगे तो 15 × 75 हो जाएगा, 9×5 45 9 होगा। तो यहाँ हमको 3 से चलाएंगे तो 3 एक्चुअल में इसका जो है ना x इक्वल टू इसको 225 को 5×5×3×3 यानी 3×3×5×5 लिख सकते हैं। तो 2×3 = 1 होता है, एक्स इक्वल टू 2×3 = 1 होगा और 2×5 = 1 होगा, तो 5×3 = 15, है ना, यही आया, क्योंकि हमारा आंसर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 4 नंबर आंसर होगा। अगला चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सी बता चुके हैं, डी का एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। द पॉइंट ऑफ द कंकरेंट ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज, अब आते हैं अल्टीट्यूड से रिलेटेड, मान लेते हैं दोस्तों ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये अल्टीट्यूड है, मीडियन है, ये सब शायद 5 में एक्सरसाइज 5 में वर्कशीट 5 में वर्कशीट 6 7 8 में बहुत अच्छे से बताया, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अल्टीट्यूड जो होता है ना, यहाँ पे सामने वाला साइड पे 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री पे, तो इधर से यहाँ होगा अल्टीट्यूड और इधर से यहाँ होगा अल्टीट्यूड। दोस्तों अल्टीट्यूड से जो होता है ना, उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर, है ना। जैसे मीडियन से सेंट्रोइड होता है या ग्रेविटेशनल सेंटर होता है, इसमें होता है क्या कहते हैं ऑर्थो सेंटर। और इससे तीन, जैसे बताए थे, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो इस पॉइंट को इंटरसेक्टन पॉइंट कहते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक हो जाएगा तो उसको कंकरेंट
पॉइंट कहते हैं, और ये क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो ऑर्थो सेंटर दिया है, सर्कम सेंटर दिया है, सेंट्रोइड दिया है, इन सेंटर दिया है। दोस्तों सब के बारे में हम बता चुके हैं, शायद इसके बारे में 5 में था, इसके बारे में 6 में था, इसके बारे में 7 में था, इसके बारे में 8 में था, अच्छे से हम बताए हैं, बहुत अच्छे से बता के देख सकते हैं, खूब अच्छे से बताएं। तो अभी ये ऑर्थो सेंटर हो गया, डी नंबर ख़त्म। अगला पढ़ते हैं ई नंबर में, तो मोर भी लेते हैं। अगला है ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस इज एन एक्सटेरियर एंगल ऑफ आर देन द इंटीरियर एडजेसेंट आर इज। यहाँ समझते हैं, यहाँ बोला है कोई भी ट्रायंगल है पी क्यू आर, और यहाँ बोला पी आर एस, पी आर एस एक और इधर बोला है ना, पी आर एस मतलब इधर बढ़ाने बोल रहा है, आर एक्सटेरियर आर, आर में ये एक्सटेरियर है, देन द इंटीरियर एडजेसेंट ऑफ आर है ना, इंटीरियर एडजेसेंट ऑफ आर का बताना हमको। सबसे पहले एडजेसेंट यहाँ लिखा हुआ है, तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो समझ लीजिए, कोई ये लाइन है इसका, जैसे ये एंगल है, इस एंगल का ये एडजेसेंट एंगल कहलाता है ना, इस दोनों को एडजेसेंट मतलब एक कॉमन आर्म होना चाहिए, जैसे इसको आर्म पढ़ते हैं ना, तो ये इसका एडजेसेंट है क्योंकि ये दोनों कॉमन आर्म है। तो यहाँ बोला है आर का जो एडजेसेंट एंगल है मतलब इसका एडजेसेंट एंगल कौन होगा, ये वाला होगा, इसको नाम है पी आर क्यू एंगल, पी आर क्यू भी लिखा हुआ हो सकता है या एंगल क्यू आर पी, दोनों सही है, हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन है। बोले ना इसका ये एडजेसेंट एंगल का मतलब कॉमन आर्म होना चाहिए दोनों का, तो पी पी आर क्यू है ना, क्यू आर पी ऐसा कोई नहीं है, देखिए दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो होगा ये, लेकिन ऑप्शन है ये नहीं है यहाँ है ना, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ थ्री नंबर में, तो थ्री हो जाएगा ई नंबर का। नेक्स्ट चलते हैं, अब बी का बता रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें तो आंसर लिखना है। पहला दिया व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द कंकरेंट, अभी कंकरेंट बताया तीन लाइन या तीन से अधिक लाइन एक पॉइंट से गुजरता है कंकरेंट कहते हैं, ऑफ एन एंगल बायसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल कॉल्ड वेयर डज इट लाइज, और किससे लाइज करता है ये भी पूछना। तो नंबर समझते हैं या समझाते हैं क्या है आके बोल रहा है, यहाँ बोला द पॉइंट ऑफ कंकरेंट ऑफ एंगल बायसेक्टर, दोस्तों एंगल को बायसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ एंगल को बायसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एंगल को बायसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा, ये हम वर्कशीट 8 में बताए थे एंगल बायसेक्टर वाला। एंगल बायसेक्टर से जो सेंटर बनता है ना, तो इसको कहते हैं इन सेंटर, क्या कहते हैं इन सेंटर, यहाँ देखिए इन सेंटर भी था, इसके बारे में सारा का बताए अलग अलग, तो इसका नाम है इन सेंटर, आई एन सी ई एन टी आर, इसको इन सेंटर कहते हैं। और यहाँ बोल रहा है वो वेयर इज डज, तो इन सेंटर जो है ना ये ट्रायंगल के अंदर में होता है, तो क्या हो जाएगा वेयर इज डज इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, अगला हो जाएगा इंटीरियर इंटेरियर ऑफ द ट्रायंगल टी आर आई ए एन जी एल ए, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, अगला बता रहे हैं बी नंबर है ना, अगला चलते हैं। लेकिन सारा इंटीरियर नहीं होता है, जैसे ऑर्थो सेंटर है तो वो है ना अलग अलग जगह पे हो सकता है, लेकिन एंगल बायसेक्टर हमेशा इंटीरियर ही होगा। अगला चलते हैं, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 80, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ बेस एंगल, या समझिएगा। सबसे पहले आइसोसेल्स ट्रायंगल बोला है तो ये साइड बराबर ये साइड होगा और ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, वर्टिकल एंगल मतलब इसके बारे में बोला 80 दे दिया है ना, मान लेते हैं ये x तो ये भी x हो जाएगा कि दोनों तो बराबर ही होता है, या मान लेते हैं a है ये b है ये c है ना, तो फाइंड द मेजरमेंट बेस एंगल मतलब ये दोनों को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो लिख देते हैं k n o w डैट, क्या जानते हैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180, ये c अच्छा आप सोचिए ये 180 कहाँ से लिखें, 80 यहाँ बोला है वर्टिकल एंगल मतलब 80 दिया हुआ,
80 प्लस इसको तो x माने, x प्लस फिर x बराबर 180, तो x x 2x बराबर ये 80 जाके उधर घट जाएगा, 180 में 80 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 100। तो x इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा तो हमारा 50 आ गया। इसका मतलब ये भी 50 आ गया, एंगल B इक्वल टू 50 आ गया और एंगल C इक्वल टू भी 50 आ गया, है ना। ये सब अब नीचे लिखिएगा, यहाँ कट नहीं जाएगा इसलिए हम वहाँ लिखे। समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। अगला समझते हैं, सी नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवेन फिगर। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, समझिएगा ध्यान से। वैसे पिक्चर बना है लेकिन हम यहाँ उस पिक्चर में नहीं गूंजना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ वाई लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ पूरा मैं ये 120 दिया हुआ, सिर्फ ये 120 दिया हुआ, तो वाई तो फटाफट निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है ना वो 180 होता है, तो वाई प्लस 120 बराबर 180, तो वाई इक्वल टू 180 माइनस 120, तो वाई इक्वल टू निकल गया 60 डिग्री। वाई तो फटाफट निकल गया लेकिन x निकालना है, ये हमारा 50 दिया हुआ है। दूसरा एक और थ्योरम है, e प्लस e एक्सटेरियर, मतलब ये जो है एक्सटेरियर एंगल को, एक्सटेरियर एंगल अगर बराबर होता है सम ऑफ इसको छोड़ के इस दोनों का सम बराबर ये होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या ये 60 निकाल चुके हैं। e प्लस e प्लस e अभी बताए थे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वैसे भी समझा सकते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं लगाएंगे। एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 120, मतलब ये प्लस ये जो सम होता है ना ये एक्सटेरियर एंगल के बराबर होता है, है ना, ये एक्सटेरियर का फॉर्मूला है। दूसरा ये प्लस ये प्लस ये भी 180 लगा सकते हैं और इसका हम वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, तो इसमें जल्दी निकल जाएगा 120 माइनस 50, तो 7 5 12 हमारे को हो जाएगा यहाँ x इक्वल टू 70 डिग्री हो गया, है ना, बहुत आसान था। अगला चलते हैं, कैन अ लाइन सिगमेंट 1.5 2 एंड 2.5 कैन बी द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंगल, है ना, एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों यहाँ बोल रहा है क्या साइड ये ट्रायंगल बन सकता है, तो चलिए दिखाते हैं ये कैसे होगा। डी नंबर इधर सॉल्व करके दिखाते हैं। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ बोला है कैन अ लाइन सिगमेंट, मान लेते हैं कोई भी 1.5, ये 2, ये 2.5, है ना, बी द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, बोलते ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में छोटा वाला दोनों का स्क्वायर बराबर बड़ा वाला का स्क्वायर बराबर होना चाहिए तब ये होगा। तो ये तो मैं राइट एंगल नहीं बनाया, राइट एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बना देता हूँ फोर मोर दे। है ना, राइट एंगल के लिए छोटा वाला दोनों यहाँ लिख लेते हैं 1.5, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर था और यहाँ 2.5 सेंटीमीटर, ए बी सी। राइट एंगल होने के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर छोटकू वाला का स्क्वायर का सम बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 1.5 का होल स्क्वायर प्लस बी सी 2 का स्क्वायर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, 15 × 15 225, दो अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, क्योंकि 1.5 × 1.5 करेंगे तो 225 होगा, लेकिन एक एक दो अंक इसलिए ऐसा हो गया, प्लस 2 × 4 बराबर 25 × 25 625, है ना, ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए नॉर्मल हम मल्टीप्लाई 25 को और दो अंक के बाद पॉइंट बढ़ा देंगे, क्योंकि 2.5 करेंगे, इसको जोड़ेंगे 4 × 2 = 6.25 इज इक्वल टू 6.25। अरे ये तो है, दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब यस हो जाएगा, ये आंसर राइट एंगल ट्रायंगल है। अगला चलते हैं ई नंबर बता रहे हैं। ई नंबर में है वेयर डज अ सर्कम, दोस्तों कितना सारा क्वेश्चन है इसमें, इधर देख लेते हैं 14 क्वेश्चन, फिर हॉट सब क्वेश्चन है, टाइम बचेगा तो हॉट भी बना लेंगे। Where does circum center of a triangle right angle triangle is lies in? दोस्तों circum center बोला right angle का, तो circum center पहले क्या होता वो बताए थे, तीनों का बताए थे, acute angle, right angle और obtuse angle। circum center पूछा, कौन center? circum center। circum center में क्या हो, कैसे बनाते हैं, perpendicular bisector,
क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा, तो इसका सर्कम सेंटर अंदर में बना। इसका परपेंडिकुलर मतलब 90 भी होना चाहिए और बराबर भागों में भी बांट होना चाहिए, 90 भी होना चाहिए और बराबर भागों, यहाँ भी 90 होना चाहिए और बराबर। इसका देखिए सर्कम सेंटर जो है ना राइट एंगल का कहाँ पे होता है, हाइपोटेन्यूज में होता है। कहाँ पे होता है, हाइपोटेन्यूज में। और कहाँ पे, हाइपोटेन्यूज का मिडिल पॉइंट में। इसका मतलब लिख देंगे क्या, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, एच वाई पी ओ हाइपो टी ए एन यू एस ए। और इसका कहाँ होता है ये भी बता ही देता हूँ, इसका देखिए यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा, इसका मतलब बाहर में होगा, यहाँ पे बाहर में होगा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर में होता। कौन सी, कौन सा था, सर्कम सेंटर। ध्यान रखना सर्कम सेंटर तब बनता है जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। इसका हम बताए हैं आपको कितना में, 7 में, वर्क से 7 देखिएगा, वहाँ खूब अच्छा समझा है। तो आगे चलते हैं, यदि अ मैन गोज 5 मीटर इन द ईस्ट एंड 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत आसान, अब तरह बनाते जाते हैं, अब मैथ में आ गया न्यूमेरिकल। यहाँ समझिएगा, अ मैन गोज, यहाँ बोला है किधरों बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी 5 मीटर ईस्ट गया है ना और 12 मीटर नॉर्थ गया, कोई भी बना देते हैं है ना। तो यहाँ बोला है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब मान लेते यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ कितना है, ए बी सी, हमको निकलना है ए सी। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर निकालना है, ए बी 5 का स्क्वायर प्लस बी सी 12 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 5 जब 25 प्लस 12 144, तो ए सी बराबर रूट अंडर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 169, इसको ऐड करेंगे तो 5 इतना ही होगा, क्योंकि 549 और 426। तो ए सी बराबर, इसको हम ऐसा सोच सकते हैं 13 × 13 टूटेगा। तो ए सी बराबर, देखिए रूट के अंदर में दो ठो चीज़ का एक लिखते हैं, अभी एक ठो और बनाए थे उस तरह का क्वेश्चन, तो 13 क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि इसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर दिक्कत। अगला समझते हैं, 2 3 नंबर में तुम और लग जाता था, 3 नंबर में है द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 13 मीटर, व्हाट इज पेरीमीटर। समझिएगा ध्यान से, यहाँ दिया हुआ विड्थ मतलब चौड़ाई 5 मीटर है रेक्टेंगल का, डायगोनल मतलब इसके बारे में बोल रहा है कितना मीटर, 13 सेंटीमीटर, लेकिन हमको बेस पता नहीं है। यहाँ भी 5 होगा, ए बी सी डी। हमको पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, इसका लेंथ पता होना चाहिए, तो लगा देते हैं। लेंथ हमको पता नहीं है, तो अभी जस्ट सीखिए, ये देखिए 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा ये, 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर। आप अगर पिक्चर बना देंगे ना, तो इसमें लेट करने का ज़रूरत नहीं, मानने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर देख लेगा कि हाँ पिक्चर बनाया है, इसे लिखा ए बी स्क्वायर, ये तो निकालना है, प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी मतलब 5 का स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, बी डी मतलब 13 का स्क्वायर है ना, 13 × 13 = 169 और 5 × 25 ये घट जाएगा ए बी स्क्वायर। तो यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 144। तो ए बी बराबर, इसको 144 को 12 × 12 लिख सकते हैं, तो 2 × 12 का हमारा कितना आ गया, यानी इसके आप इससे नीचे नीचे लिखते जाएगा, तो ए बी बराबर हमारा कितना निकल गया, 12। दोस्तों एक क्वेश्चन था सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में था, इसका मतलब लेंथ हमको पता कर लिए 12 और ब्रेथ तो पहले से दिया हुआ 5, मतलब एल बराबर 12 और ब्रेथ बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर बराबर फॉर्मूला होता है, पूरा लिख ही देते हैं, पी ई आर आई पेरी एम ई टी ई आर,
टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो टू लेंथ की जगह 12 और ब्रेथ की जगह 5, तो 12 × 5 = 17, 2 × 17 सेंटीमीटर, 17 × 2 = 34 सेंटीमीटर, है ना। ये निकल गया हमारा कितना, ये सेंटीमीटर लिखे हैं दोस्तों, है ना, 2 × 17 सेंटीमीटर, मतलब दिख रहा होगा कि नहीं। इसका और फ्रेश करके थोड़ा देर कर देता हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया। तो 2 × 12 + 5 सेंटीमीटर था, फिर से इसको बनाना है ये वाला चीज़ को, 2 × 12 + 5 = 17 सेंटीमीटर, 17 × 2 = 34 सेंटीमीटर हो गया, है ना दोस्तों। इसको ही यहाँ बनाया है, ऐसा नहीं कि ये वाला फिर ये वाला भी उतार देना, कोई बहुत सारा अच्छा ऐसा सुरार होता है जैसे जैसे करेंगे हम वो भी वैसा वैसा करेगा अल्लाह। तो आगे हम अब फोर से बताएंगे क्योंकि 20 मिनट हो चुका है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।